और उसको आप अच्छी तरह से समझने के लिए भी कोई भी व्यंजन, व्यंजन कितने हैं हमारे, क से लेकर जितने भी व्यंजन हैं ज्ञ तक है ना, तो क से लेकर ज्ञ तक हर अक्षर के ऊपर आप लोग एक ही मात्रा लगाएंगे, तो आप लोग एक ही जो आवाज़ है उच्चार। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम सबनम खातून है और आप लोग का स्वागत है यूनियन पब्लिक स्कूल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ही मात्रा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसे पढ़ना और लिखना दोनों ही सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हेडिंग दे दिए हैं एक ही मात्रा, यहाँ पर आपको एक निशान दिखाई पड़ रहा है, यही है आपकी एक ही मात्रा। अब इसे लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं हम लोग ये जानेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोई अक्षर ले लेते हैं। अब अक्षर क्या लेते हैं, क ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं, क, का को लिए। अब इसमें हम लोग एक ही मात्रा देंगे, तो एक ही मात्रा लिखते कैसे, पर ये देखिए इसको ऐसे करके इस जो है इस लाइन में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बताइए आप लोग। तो उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एक ही जो आवाज़ होती है हल्की होती है लेकिन इसे खींचा कम जाता है, ठीक है। आवाज़ भी हल्की होगी और खींचा भी कम जाएगा, कैसे, क एकर के। देखिए आवाज़ हल्की है और खींचा भी कम जा रहा है, क एकर के। और ये किसी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, देखिए इस तरह से हम दूसरा ले लेते हैं खा। अब इसमें एक ही मात्रा देंगे तो क्या जाएगा, ख एकर खे, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेते हैं हम लोग ज, उसके बाद एक आगे मात्रा देते हैं जा एकर जे, ठीक है। फिर दूसरा लेते हैं मा एकर मे, फिर लेते हैं ठ एकर ठे। देखिए सबकी आवाज़ सुनिए, आवाज़ हल्की है और खींचा भी हल्का जा रहा है, कैसे, क एकर के, ख एकर खे, ज एकर जे, मा एकर मे, ठ एकर ठे। और उसको आप अच्छी तरह से समझने के लिए भी कोई भी व्यंजन, व्यंजन कितने हैं हमारे, क से लेकर जितने भी व्यंजन हैं ज्ञ तक है ना, तो क से लेकर ज्ञ तक हर अक्षर के ऊपर आप लोग एक ही मात्रा लगाएंगे, तो आप लोग एक ही जो आवाज़ है उच्चारण है और ध्वनि है तीनों का मतलब एक ही है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो फिर से देखिए क्या है, कायकार के, खायकार खे, जायकार जे, मायकार मे, ठायकार ठे, ठीक है। अब हम लोग इससे कोई शब्द सीख लेते हैं, कैसे, अगर इसमें हम कोई अक्षर जोड़ते हैं साथ में मात्रा भी जोड़नी पड़ेगी, कभी कभी नहीं जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये का, कायकार के, इसके साथ कैसा अक्षर जोड़े हम लोग जो कोई शब्द बन जाए। तो दिमाग में कोई अक्षर आ रहा है आप लोग का, नहीं, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेते हैं ल, क्या लेते हैं ल, और देख तो कर केला, केल हो जाएगा, केल तो कोई शब्द है ही नहीं, तो ला में हम लोग क्या करेंगे, आकार की मात्रा को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर के ला कर ला, क्या हो जाएगा, केला। देखिए कितना आसानी से शब्द बन चुका है। उसके बाद दूसरा लेते हैं हम लोग खाए कर खे, अब इसमें कौन सा जोड़े, तो हम यहाँ पर त जोड़ देते हैं, क्या, त, तो खाए कर खे त, क्या हो जाएगा, खेत। इसमें कोई मात्रा नहीं है, इससे खींचने की जरूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं इस बात को। अब आओगे देखिए जायकार जे, इसमें जोड़ देते हैं हम लोग ब को, तो क्या हो जाएगा, जायकार जे ब, क्या हो जाएगा, जेब, जानते हैं ना आप लोग। उसके बाद देखिए मैं कर मैं, उसके बाद क्या ले लेते हैं यहाँ पर ला कर ला, क्या हो जाएगा, मेला, मेला, देखिए ना कितना बड़ा होता है। अब देखिए ठाकर ठे, अब इसमें क्या जोड़ सकते हैं, बोलिए, ला कर ला, क्या था, ठेला। देखिए अब इसमें हम लोग कोई चाहे तो और भी अक्षर जोड़ सकते हैं, जैसे कि था एकार, क्या जाएगा, थे, उसके बाद ला कर ला, थेला। तो यहाँ पर हम लोग पहचान लिए हैं कि एक ही मात्रा कैसी लिखी जाती है, और एक पॉइंट क्या, कि एक ही मात्रा हमेशा ऊपर लिखी जाती है। देखिए सब में हम लोग ट्राई किए हैं पर इसको बोलना ही भूल गए, क्या है कि देखिए का के ऊपर भी लगी है, खा के ऊपर लगी है, ज्या के ऊपर लगी है, माँ के ऊपर, ठा के ऊपर, था के ऊपर। तो याद रखिए कि एक ही मात्रा हमेशा किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, इसकी आवाज़ हल्की और कम खींचना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसको शब्द हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, देख लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ सीखेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।